बदल गया ऑनलाइन पेमेंट का तरीका। अटल पेंशन योजना में क्या हुआ बदलाव। गैस सिलेंडर प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में भी हुआ बदलाव। जाने 1 अक्टूबर से क्या क्या बदला। साल 2022 में अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस नए महीने की शुरुआत के साथ कई जरूरी नियमों में भी बदलाव किया गया। 1 अक्टूबर यानी आज से नए नियम लागू हो जाएंगे और इन नियमों के बदलाव के बाद आप पर और आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर होगा, इस रिपोर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे। 1 अक्टूबर से होने वाले बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। 1 अक्टूबर से क्रेडिट, डेबिट कार्ड, LPG सिलेंडर, अटल पेंशन स्कीम, NPS ई नॉमिनेशन जैसे कई जरूरी नियमों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा 1 अक्टूबर से प्लेटफॉर्म टिकट के रेट भी बढ़ गए हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ और क्या कुछ बदला है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात रोजमर्रा से जुड़े मुद्दे की करते हैं। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। 1 तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि 1 अक्टूबर से रसोई गैस के दाम में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। ये बढ़ोतरी कितनी होगी इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये तय है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। वही बात अगर दूसरे बदलाव की करें तो 1 अक्टूबर से कार्ड टोकनाइजेशन नियम लागू कर दिया गया है। RBI ने फ्रॉड को रोकने के लिए टोकनाइजेशन के नियम में बदलाव किया है, यानी क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन का नियम लागू होगा, यानी अब आपको हर बार पेमेंट करने पर कार्ड नंबर, CVV नंबर, नाम, एक्सपायरी डेट जैसी डिटेल नहीं भरनी होगी। कार्ड डिटेल के बजाय अब आपको टोकन नंबर भरना होगा, जिसे भरकर आप आसानी से और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। कार्ड टोकनाइजेशन के अलावा 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक 1 अक्टूबर से टैक्स पेयर्स इस योजना से नहीं जुड़ सकेंगे। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इनकम टैक्स भरने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। अब तक के नियमों के मुताबिक 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अटल पेंशन योजना के अलावा नेशनल पेंशन स्कीम के ई नॉमिनेशन के नियम में भी बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत NPS सब्सक्राइबर्स को अब ई नॉमिनेशन की सुविधा मिलेगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 अक्टूबर से NPS सब्सक्राइबर के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। इस बदलाव के बाद अब पॉलिसी धारक खाते के लिए ई नॉमिनेशन कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए डीमैट अकाउंट में 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना अनिवार्य होगा। बिना इसके आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। वहीं 1 अक्टूबर से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है, यानी अब अगर आप प्लेटफॉर्म में एंटर करते हैं तो आपको 10 की बजाय 20 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट के लिए देने होंगे। ये नियम दक्षिण रेलवे के 8 स्टेशनों पर लागू होगा। रेलवे ने कहा है कि इससे न केवल स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा, बल्कि यात्रियों को भी सुविधा होगी, वो भी भीड़ से बच सकेंगे। हालांकि रेलवे ने ये स्पष्ट किया है कि ये अस्थाई बढ़ोतरी है। 1 फरवरी 2023 से फिर से रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट पुरानी दरों पर मिलेगी। ये वो नियम है जिनमें 1 अक्टूबर से बदलाव किया गया है। कार्ड टोकनाइजेशन और पेंशन ई नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव से जहां आपको फायदा पहुंचेगा, वहीं गैस सिलेंडर और प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में बढ़ोतरी का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।